स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब हम लोग होमवर्क डिस्कस करते हैं ना, होमवर्क डिस्कशन का टाइम है। कहाँ से डिस्कस करना है? सेक्शन ए बी सी डी ए सेक्शन, ए बी भी डिस्कस नहीं किया अभी तक मैंने, नहीं सर। बोलो यार। पॉसिबल नहीं लग रहा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सेक्शन आर्किटेक्चर टू में सेक्शन ए बी सी डी कभी डिस्कस नहीं किए क्या? नो सर, ए और बी हो गया था सर, सी और डी हाँ बचा। वही, ए और बी डिस्कस हो गया यार, मुझे पता है, ए और बी डिस्कस कर दिया मैंने। एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी में बोलो। सेक्शन सी में कोई डाउट है? एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी में कोई डाउट है बोलो। डाउट है सेक्शन सी में? नो सर। एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नो डाउट। सेक्शन डी बोलो, एक्सरसाइज वन पार्ट फर्स्ट सेक्शन डी। सर डी टू। डी टू, ओके डी टू, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है उसमें, डी टू में डाउट है। क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज यील्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैरिड आउट इन CCl4 सॉल्यूशन इज 80%। अच्छा, कोई रिएक्शन दे रखा है, Br2 plus Cl2 gives 2BrCl, उसका परसेंटेज यील्ड दे रखा है 80%, ऐसा हमें बोला गया है। व्हाट अमाउंट ऑफ BrCl वुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द इन दोनों के सेम मोल लेने पर, है ना? इन दोनों का अगर मैं कितना कितना मोल लू, 0.025 मोल, और इसका भी 0.025 मोल लू, BrCl का कितना अमाउंट मुझे मिलेगा? तो कितना अमाउंट मिलना चाहिए, देखो एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए इसका, डबल, क्योंकि एक मोल Br2 से, क्योंकि ये देखो इन दोनों के मोल्स इक्वल है, तो यहाँ पर बोलते हैं नो LR, LR नहीं है, तो एक मोल Br2 से दो मोल BrCl मिल रहे हैं, तो 0.025 से कितना मिलेगा उसका डबल, मतलब मिलना कितना चाहिए था 0.05, बट यील्ड 80% है, तो उसका 80% मिलेगा। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। तो मिलेगा 0.04 मोल। तो फर्स्ट वाले का आंसर मैंने निकाल दिया। सेकंड पार्ट क्या बोला है? व्हाट अमाउंट ऑफ Br2 इज लेफ्ट अनचेंज्ड, ठीक है, अनरिएक्टेड। हाँ, तो हमें बोला है कि Br2 का कितना अमाउंट है जो रिएक्ट नहीं किया होगा। तो देखो, रिएक्शन का यील्ड 100% नहीं आने के कुछ रीजंस होते हैं कि रिएक्शन का यील्ड 100% क्यों नहीं आ रहा। उसका वन ऑफ द रीजन इज कि रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहे, वो भी रिएक्शन में उतना प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए था, तो रिएक्शन का यील्ड 80% है। तो देखो, Br2 से 2BrCl चाहिए था, एक Cl2 अलग से था वो, अगर इसका 0.04 मोल मिला है तो Br2 कितना रिएक्ट किया होगा? 0.02, और एक्चुअल में था 0.025, उसमें से 0.02 रिएक्ट किया, तो बचा कितना? 0.005। दिस इज अनरिएक्टेड, ये रिएक्ट नहीं हुआ है, इसलिए रिएक्शन का यील्ड 100% नहीं आया है, 80% ही आया है। समझ गए? ठीक है, पार्ट टू पर आ जाओ। एक्सरसाइज वन पार्ट टू, एक्सरसाइज वन पार्ट टू सेक्शन सी। C5 और C6। C5, C6, और कोई डाउट है? नो सर।
ठीक है, C5 C6 को देखते हैं। C5 में देखो क्या बोला है, C5 में बोला है when 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइजेस एंटायरली टू पॉलीथीन, एंटायरली मतलब कंप्लीटली है ना, द वेट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड एज ए इक्वेशन। तो देखो हमारे पास n मोल्स लिए मैंने किसके, n मोल्स लिए मैंने इथाइलिन के, या फिर इसको इथीन भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम है इसके, इथाइलिन भी और इथीन भी। तो इथीन के मैंने n मोल लिए तो हमको क्या मिला, पॉली इथीन मिला। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। मेथड नंबर वन M1, मेथड नंबर वन क्या, मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। और मास कंजर्वेशन तभी लगाएंगे जब LR वाला फंडा नहीं होता, मतलब कंप्लीटली मेरा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है मेरा पॉलीथीन। ठीक है, अब रिएक्टेंट का मास कितना था, बताओ। 16 नहीं, 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ पॉलीथीन बोला है ना। हाँ सर। देखो तो 100 ग्राम ऑफ इथीन था, इथीन कितना था, 100 ग्राम इथीन था, 100 ग्राम इथीन था तो वो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो गया, तो पॉलीथीन भी कितना बनेगा, 100 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि मास कंजर्वेशन का लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि रिएक्टेंट का जितना मास होता है वो पूरा का पूरा मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कभी भी मास लॉस नहीं होता, पता है इतना, बोलो। यस सर। मेथड नंबर सेकंड, हम लोग अगर क्वेश्चन को मैथमेटिक्स से सॉल्व करें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, रिएक्शन मेरा बैलेंस दिख रहा है जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा है, बताओ। यस सर। Yes, मैं ऐसा लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पॉलीथीन डिवाइडेड बाय 1, ये पॉलीथीन है, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। तो देखो मोल्स क्या होंगे इथीन के, उसका ग्राम में वेट 100 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 16 इंटू यहां पर N आ गया। पॉलीथीन का मोल्स क्या होगा, उसका मास जो हमें कैलकुलेट करना है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 28 होगा ना, सॉरी 28 होगा, 28। अब मुझे बताओ पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, दिस इज पॉलीथीन, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 28N, यही होगा क्या। हाँ सर। तो यहां से मास कितना आ गया पॉलीथीन का, यहां से मास भी 100 आ गया, समझ गए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर C6 में देखो क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट नीड्स टू बी हीटेड। पोटेशियम क्लोरेट का मतलब होता है KClO3, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, इसको मैंने हीट किया, पोटेशियम क्लोरेट को मैंने हीट किया तो क्या मिलेगा, KCl प्लस 3/2O2। अब कर लोगे ये क्वेश्चन। सर C6 क्वेश्चन ये नहीं है यार, मैंने जो शीट दिया उसमें तो यही है, क्या है तुम्हारी शीट में। सर 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड, वो वाली शीट में, मेरी वाली शीट में वो C1 है, क्या है, 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स दिस ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड द वेट ऑफ। ठीक है, देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, मतलब जो मेटल जो प्लस टू में रहे वही अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, बोलो। यस सर।
Yes, और नाइट्राइड क्या होता है? ये कोई अपनी क्लास में N3 माइनस कौन है ये? जॉस थॉम्पसन सर, आज तक तो नहीं देखा, पहली बार देखा है। अच्छा नाइट्राइड क्या होते हैं? N3 माइनस। तो अगर मैं मेटल नाइट्राइड बनाऊं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? M3N2 बनेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मेटल नाइट्राइड बनता कैसे? मेटल का रिएक्शन जब भी नाइट्रोजन से होता है तो मेटल का नाइट्राइड बनता है, ये हमारा फंडा होता है। मेटल का रिएक्शन जब भी नाइट्रोजन से होता है तो मेटल का नाइट्राइड बनता है। तो रिएक्शन बैलेंस कर लो तो ये होगा 3M+N2 gives M3N2। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 12 ग्राम एल्कली अर्थ मेटल है, उसका कितना है 12 ग्राम, और जो मेटल नाइट्राइड बन रहा है वो कितना बन रहा है, इतना। एटॉमिक वेट कितना होगा मेटल का? तो हम चीज यहां से ये लिख सकते हैं क्या, मेटल के मोल्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ M3N2 डिवाइडेड बाय 1। बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो मेटल का एटॉमिक वेट है ना, मेटल का एम ही मान लो या फिर एक्स मान लो, तो इसके मोल कितने होंगे? ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय एक्स, यही होंगे इसके मोल। बोलो sir. तो ये आएगा 12/x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। अब इसके मोल कितने होंगे? इसके मोल होंगे ग्राम में वेट 14.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। M3N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 3x+28, ये होगा M3N2 का मॉलिक्यूलर वेट। बोलो, यही होगा क्या? Yes, sir. क्या इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हो जो हमें क्वेश्चन में चाहिए? Yes, sir. तो एटॉमिक वेट ऑफ एम हमने अज्यूम किया था एक्स। चलिए यहां से हो जाएगा क्वेश्चन। सेक्शन डी पर चलते हैं हम लोग। सेक्शन डी में बोलो डी फोर। और बताओ डी फोर के अलावा? डी थ्री के अलावा बोलो। D3 वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? D3 वाला क्वेश्चन शायद याद करो मैंने क्लास नोट्स में करवाया है क्या? D3 वाला क्वेश्चन नहीं करवाया क्या क्लास नोट्स में? चलो कोई बात नहीं, नहीं करवाया जहां तक मेरे को याद है, मेरे को लगता है करवाया है, बट फिर भी बता देता हूं। एक्स और वाई है, दोनों रिएक्शन करते हैं और X2Y3 बनाते हैं, तो 3Y और 2X होगा, दोनों का इक्वल वेट लेना है। अब इक्वल वेट या तो तुम तुम्हारी मर्जी से कुछ ले लो और ऐसा वेट लो कि दोनों के मोल्स इंटीजर में आ जाए, या फिर XX ले लो। तो बताओ क्या लू मैं, कुछ रैंडम वेट लू या फिर वेरिएबल x ही लू? XX। चलो XX ले लेते हैं, इसका वेट भी x, इसका वेट भी x, ठीक है, ये भी x ग्राम है, ये भी x ग्राम है। मोल्स कितने होंगे? इसके मोल्स होंगे x/36 मोल्स, इसके मोल्स होंगे x/24 मोल्स। अब दोनों में से LR कौन होगा वो चेक करते हैं। x/36/2, x/24/3, कौन है LR? पहला वाला x। नो LR फर्स्ट, और ये दोनों बराबर है ना, कहां से LR दिख रहे हैं बताओ? हाँ सर, नो LR। हाँ सर, नो। ठीक है, तो A और B ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो गए। A और B में बोला है x और y लिमिटिंग रीजन टाइप है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं,
ये कितना मोल्स बनेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ x 2y 3 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ। यस सर, यस सर। तो मोल्स ऑफ ये कितना है, मोल्स ऑफ ये आएगा x बाय 36 इनटू नीचे 2 इक्वल टू 1। अब इसके मोल्स क्या होंगे, इसके मोल्स होंगे इसका वेट अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट। इसका वेट कितना है वो मुझे पता नहीं, वो क्वेश्चन में निकालना है, वो सी ऑप्शन में हमसे पूछा है। इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर मास, इसका मॉलिकुलर मास क्या होगा, एक्स टू प्लस वाई थ्री। एक्स टू का मतलब 36 इंटू 2, वाई थ्री का मतलब 24 इंटू 3, तो ये आएगा x अपॉन 72 इज इक्वल टू इसका मास अपॉन 144। तो मास कितना आ गया, ऊपर वाले स्टेप में आपने क्या किया, मोल्स निकालने और कुछ नहीं किया। कौन से वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, सो मास को जहां पे आपने स्क्वायर में लिखा है उसके नीचे वाला। अरे मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास ना, तो x2 y3 का मॉलिक्यूलर मास निकाला है बस नीचे, x का 36 को 2 से। ठीक है, अब देखो सी ऑप्शन पढ़ो ध्यान से, नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर एंड मास ऑफ x2 y3 फॉर्मड इज डबल द मास ऑफ x टेकन। तो x2 y3 का मास कितना बना है, 2x ग्राम, क्या हुआ x का मास जो कि x ग्राम टेकन था उससे डबल है। यस यस सर, यस सर, मतलब हमारा D3, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो D3 मैंने बता दिया। अच्छा, D3 क्वेश्चन करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा क्लास नोट्स में नहीं कराया था। D4 में क्या है, H2SO4 है, वो रिएक्शन कर रहा है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। बोले दिस ग्राम दिस मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद दिस मोल्स ऑफ कैल्शियम। अब देखो बन रहा क्या है, कैल्शियम का सल्फेट। सर अलग क्वेश्चन है यार, तुमको मैंने कितनी बार बताया, पहले भी मैंने तुम्हें शायद बताया होगा, जो मैंने शीट सेंड किया है वही सॉल्व किया करो। सर मैंने वो जो मिला है वो उसमें से किया। एक्चुअली क्या है कि जो मेरे पास जो सॉफ्ट कॉपी है और जो तुम्हारे पास शीट है ना, उसमें क्वेश्चन सारे वही है, बट एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा चेंज है, ऊपर नीचे। अब तुम कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारी शीट में, D4 क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनायन नीडेड इन द मोल्स। हां ये क्वेश्चन मेरी शीट में, ये क्वेश्चन D1 है। मैं तुमको वापस से शीट सेंड कर रहा हूँ, और जो मैं शीट सेंड करता हूँ उसी की शीट से सॉल्व करो, अदरवाइज वो ऊपर नीचे होता है। मैंने शीट सेंड किया है ग्रुप पे। ओके सर। वो मेरी शीट में वो D1 क्वेश्चन है, ये निकल वाला। मेरा वाला लास्ट ईयर का शीट है, इसलिए वो थोड़ा उसमें चेंज कर दिया अभी वाले में, पर चेंज क्या, क्वेश्चन सब वही है, बस आगे पीछे। देखो क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल नीडेड इन मॉन्ट्स प्रोसेस। ठीक है, निकल का अमाउंट कितना नीडेड होगा ऐसा पूछा है। इफ CO यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज ऑब्टेंड थ्रू अ प्रोसेस इन विच, अब ये CO इसमें यूज्ड हो रहा है वो कहां से मिलता है हमें, वो मिलता है 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज मिक्स विद 44 ग्राम ऑफ CO2 से। मतलब हम लोग इसमें जो CO यूज कर रहे हैं वो हम लोग यहां से बनाते हैं, CO2 में कार्बन मिक्स करके। कार्बन कितना मिक्स किया है, 6 ग्राम, कितने में, 44 ग्राम CO2 में। तो पहले तो मोल्स निकाल लो, इसका मोल 1 है, इसका मोल कितना होगा, 0.5। दोनों में से LR कौन है, C। ठीक है, ये वाला बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो LR कौन है, ये मेरा LR आ गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके एक मोल से CO का दो मोल बनता है, तो हाफ मोल से इसके मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे बताओ। वन मोल। अब जो CO हमें प्रोड्यूस हुआ है उसी को इस ऊपर मॉन्ट्स प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, मतलब जो CO प्रोड्यूस हुआ है उसी को मॉन्ट प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसको यूज कर लो। ये कितना है, ये है मेरा वन मोल। तो इसके लिए निकल नीडेड कितना होगा, कितना निकल चाहिए, चार मोल के लिए एक मोल निकल चाहिए था, चार मोल के लिए एक मोल निकल चाहिए था, तो वन मोल के लिए कितना चाहिए, वन बाय फोर मोल। तो मास कितना चाहिए, मास चाहिए 59/4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ गए, यस सर।
और बताओ, और कोई डाउट है? नो सर। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर देखो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने तुम्हें बताया था, अब वापस से बता रहा हूं क्या, कि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा है, मोल मोल एनालिसिस पढ़ा है, मतलब जिसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता हो। अब मोल मोल एनालिसिस के अंदर कुछ स्पेशल पार्ट्स पढ़े थे, लाइक LR, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, ये सब पढ़ा था, सिक्वेंशियल रिएक्शन, ये सब कुछ पढ़ा था। बट कभी ऐसा आ जाए कि रिएक्शन हमसे बैलेंस ही नहीं हो रहा है ना, या फिर कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसमें कुछ अलग दे रखा है, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस करने में टाइम लग रहा है, तो हम लोग उस तरह की रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक नया फंडा है। वो फंडा क्या है, उस फंडे के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो नया फंडा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जिसको हम लोग अलग से एक और बोलते हैं क्या, POAC, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, POAC के बारे में, कि एटम हमारे कंजर्व रहेंगे, मतलब एटम को कंजर्व करने वाला प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, राइटिंग करें, क्या बोल रहा है, मतलब आप क्वेश्चंस दे रहे हो या फिर समझा रहे हो? समझा रहा हूँ बिरू, पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज यूज्ड फॉर मोल मोल एनालिसिस विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने का हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या, इट इज नॉट यूज्ड व्हेन एनीवन इज LR, तो हम बोलेंगे जब कोई LR होगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि जितना एटम रिएक्टेड साइड में है, जितना एटम रिएक्टेंट साइड में है, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट साइड में चला गया है, तो मतलब एटम मेरा कंजर्व रहा, जितना रिएक्टेंट साइड में था कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट साइड में। बट अगर LR होगा तो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे हमारा एटम कंजर्व नहीं रह पाएगा, तो हम लोग LR वाले केस में यूज में नहीं लेंगे। अब इसका बेसिक मतलब क्या है वो मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि इट इज based on law of mass conservation, हमारा law of mass conservation पर based है ना, मतलब reactant का mass is equal to product का mass, ये हमारा law of mass conservation होता है कि जो product का mass है और जो reactant का mass है वो equal होगा। मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं if mass is conserved, then moles of atom should also be conserved। ऐसा ही बोलेंगे हम लोग, अगर मास कंजर्व है तो मोल कंजर्व है, क्योंकि मास क्या होता है, मास में बस मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड ही तो करना है, और मॉलिक्यूलर मास तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मास कंजर्व है मतलब उसका मोल भी कंजर्व है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन एटम का 14 ग्राम था और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन एटम का 14 ग्राम है, तो रिएक्टेंट साइड में जो नाइट्रोजन के मोल्स है वही प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के मोल्स है ना, सिंपली हमने बस क्या करा है, उससे डिवाइड ही तो किया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हेंस नंबर ऑफ एटम्स is also conserved। अब मोल कंजर्व है तो मोल को एन से मल्टीप्लाई कर दो तो एटम के नंबर आ जाएंगे, अगर मोल कंजर्व है तो नंबर ऑफ एटम भी कंजर्व रहेंगे, तो जो एटम है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में वो इक्वल रहेगा हमेशा। इस बात को समझ आ गई?
बोलो। यस अब पीओएसी को अप्लाई कैसे करना है उसको मैं बताता हूँ, है ना। पीओएसी हमारे को यूज में आएगा कैसे, पीओएसी अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्या, एग्जाम्पल की हेल्प से बता रहा हूँ ना। अप्लाई पीओएसी ऑन किस पर, KClO3 प्लस KCl प्लस O2। अब कोई मुझे बोलेगा सर इस रिएक्शन को तो बैलेंस कर सकते हैं तो POC क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अरे मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि POC अप्लाई करना कैसे हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे एटम पर अप्लाई कर देते हैं। एटम कौन कौन से, इसमें तीन ही तो एटम है, पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम, तो एक एक करके सब पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करते हैं POC ऑन पोटेशियम एटम। तो देखो पोटेशियम पर POC कैसे लगाएंगे, POC लगाने का तरीका क्या है। पोटेशियम के मोल लिख दो सबसे पहले, तो प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम है किसके अंदर, प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम है किसके अंदर, सॉरी रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम है किसके अंदर, KClO3 में है, बताओ। यस तो मोल्स ऑफ KClO3। अब उस एक KClO3 में कितने पोटेशियम है, वन। तो इंटू वन कर दो कि पोटेशियम के मोल्स आ गए मेरे पास, KClO3 में पोटेशियम के मोल आ गए, ठीक है कि भैया। लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना। अरे तो POC का तो मतलब ही ये ना, देखना फर्स्ट पॉइंट, विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट पर इट इज यूज फॉर मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। अब क्या रिएक्टेंट साइड में और किसी के अंदर पोटेशियम है, KCl रिएक्टेंट साइड में आता है KCl, नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग इक्वल कर देंगे। अब प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम किस किस के पास है, KCl के पास, KCl, ठीक है। तो मोल्स ऑफ KCl और कितने कितने पोटेशियम है उसमें, वन। तो वन इंटू दिस, तो ये मैंने POC लगा दिया पोटेशियम एटम पर, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग POC एंड ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पर POC लगाएंगे, तो देखो मोल्स ऑफ KClO3, KClO3 का मोल्स क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में KClO3 में ऑक्सीजन आता है, इसलिए कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, तीन, तो थ्री लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में किसमें है ऑक्सीजन, O2, मोल्स ऑफ O2 कितने ऑक्सीजन है, टू, से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग POAC ऑन क्लोरीन एटम, सभी पे लगा रहे हैं हम लोग, है ना, जरूरी नहीं है सभी पे लगाएंगे, क्वेश्चंस में भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसमें देखो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl O3 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl, ऐसा ही लिखेंगे। यस समझ गए, यस सर, यस। चलिए एक क्वेश्चन में तुम्हें खुद को करने को देता हूं, है ना। एग्जांपल नंबर टू, अप्लाई POAC ऑन, एक एक एटम पर POAC लगाना है, जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं सब पर, है ना। रिएक्शन क्या है, पी फोर प्लस एच एन ओ थ्री गिव्स एच थ्री पी ओ फोर प्लस एन ओ टू प्लस एच टू। सबसे पहले तो तुम क्या करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, मुझे बताओ रिएक्शन बैलेंस होती है क्या, अगर होती भी है तो क्या होगा, फिर POAC अप्लाई करो सभी पे, बैलेंस करके बताओ रिएक्शन बैलेंस होती है क्या, होती है तो बता दो, बढ़िया बात है।
नहीं हो रहा बैलेंस, नहीं हो रहा क्या बैलेंस? तो मतलब हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, पीओएसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन में मैं ना पीओएसी सॉल्व करेंगे तो एक एक क्वेश्चन दे भी देता हूं तुम्हें, है ना? अगर मान लो बैलेंस नहीं हो रही, फिर भी तुम्हें बोला है इसके तुम्हारे पास 2 मोल्स है और इसके मान लो तुम्हारे पास कितने मोल्स लूं यार, ऐसा 2 और वो नहीं लेते, ऐसा लेते क्या लें यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग अगर कुछ रैंडम मोल ले लिए तो हो सकता है हाँ ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन में देखो ऐसा है, फास्फोरस के मोल्स नहीं गिवन, क्वेश्चन में ऐसा है NO3 के मोल्स मान लो गिवन है 3 मोल्स, है ना? NO3 के मोल्स कितने गिवन है, मान लो 3 मोल्स गिवन है, ये क्या हो रहा है, NO3 नहीं HNO3 के 3 मोल्स गिवन है और हमसे पूछा है क्या मोल्स ऑफ H3PO4 फॉर्म्ड, ये हमसे पूछा है। देखो रैंडम दिया है, क्या पता इससे आंसर आए नहीं आए, हो सकता है डेटा कम भी हो सकता है, बट फिर भी सॉल्व करो, ट्राई करो, क्या पता आ जाए तो अच्छी बात है, बट कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखते हैं। यार P4 के मोल्स भी दे दू क्या, क्योंकि अगर LR वाला फंडा आ गया तो फंस जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं हो जाए तो ठीक है, वरना पीएफ तो लगा ही दो। सर सर अगर हम लोग H लेंगे तो जो RHS साइड है उसमें H तो 2 इसमें है ना, अब तो क्या हुआ, कर ना तू कुछ तो कर, इक्वेशन इक्वेशन लिख दो, बाकी इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं होगा उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि हो सकता है डेटा मैंने कम लिया हो। पीयूएसी वाला इक्वेशन तो लगा ही दो एक बार, पीयूएसी लगाते कैसे वो तो आना चाहिए। सॉरी हो गया क्या,
यस सर। देखो सिंपल है थोड़ा, हमने करना क्या है, P4 इक्वेशन में वापस से लिख देता हूं, P4 प्लस HNO3 गिव्स H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2। मैं सभी के है ना मोल्स अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। मैं मान लेता हूं P4 के A मोल है, HNO3 के तो 3 गिवन है ही, H3PO4 के B मोल है, NO2 के C मोल है और H2 के D मोल है। क्या मैं मोल्स अज्यूम कर सकता हूं? यस सर। ठीक है, मैंने मोल्स अज्यूम कर लिए। ठीक, अब मैं POAC लगाता हूं। सबसे पहले लगाता हूं POAC ऑन फास्फोरस एटम। फास्फोरस पर POAC लगाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 इंटू मोल्स ऑफ P4 मतलब A इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ H3PO4 मतलब B, मतलब 4A इज इक्वल टू B, एक इक्वेशन ये बनेगी। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। POAC ऑन हाइड्रोजन एटम, POAC ऑन हाइड्रोजन एटम हम लोग लगाएंगे, क्या होगा? थ्री इज इक्वल टू बी प्लस डी। 1 × 3 इज इक्वल टू 3 × B प्लस 2 × D। 3 हाइड्रोजन के एटम इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करा, H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इज इक्वल टू 3B प्लस 2D ऐसा बनेगा। बोलो। यस सर। इक्वेशन 2, नेक्स्ट POAC ऑन नाइट्रोजन एटम, तो क्या बनेगा, 1 × 3 इज इक्वल टू व्हाट? सी। 1 × C मतलब 3 इज इक्वल टू C, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। लास्ट POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, 4 एटम थे, चारों पर लगा दी। अब देखो ऑक्सीजन एटम पर POAC लगाओ तो इक्वेशन क्या बनेगा, 9 इज इक्वल टू 4B प्लस 2C प्लस D। 9 इज इक्वल टू 4B प्लस 2C प्लस D, ये इक्वेशन बना है ना, मतलब 9 इज इक्वल टू 4B प्लस 2C प्लस D, इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमें निकालना है मोल्स ऑफ H3PO4 फॉर्म्ड, मतलब B का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, कैसे? देखो C का वैल्यू गिवन है, इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं, 9 इज इक्वल टू 4B है ना, C का वैल्यू कितना गिवन है, 3 प्लस D की जगह मैं क्या रख दूं, D की जगह मैं B की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, D को, ऐसा लिख सकता हूं 3B/2 लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 18 इज इक्वल टू 8B प्लस 12, 3 × 2 = 6 प्लस 2 12 प्लस 3 − 3B, तो यहां से देखो क्या आएगा, 18 − 12 − 3 इज इक्वल टू 5B, तो कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू 5B, तो B का वैल्यू कितना आया, 0.6, बोलो यही आएगा, बताओ। यस सर। यस सर। तो अब यूज समझे POAC का, कि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रखा हो, एक दे रखा है, तो हमको POAC अप्लाई कर करके कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। यस सर। चलिए अगर तुम लोग समझ गए हो तो एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको करके बताओ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है कि हमको एक इक्वेशन दे रखा है, Xe F6 + CH2CH2
है ना, होल एन, ये रिएक्ट करता है और हमको क्या मिलता है, CF2 एक पॉलीमर मिलता है ये, प्लस HF प्लस XZF4 है ना, इसको तो बोलते हैं पॉलीथीन और इसको बोलते हैं टेफ्लॉन है ना, अभी नाम ऐसे याद रख लो, बाद में हमें काम आएंगे, बाद में मतलब 12th क्लास वगैरह में। ये रिएक्शन दे रखा है ना, हमको बोलता है डिटरमाइन द मोल्स रिक्वायर्ड, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ एन, तो बहुत सारे यूनिट्स है ना, जो सम बहुत सारे यूनिट है जो इंटीग्रेट होकर एक पूरा बहुत बड़ा पॉलीमर बनाया है। डिटरमाइन द मोल्स ऑफ XZF6 रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ टेफ्लॉन, ये क्वेश्चन है कि XZF6 का कितना मोल चाहिए कि मैं 100 ग्राम टेफ्लॉन बना पाऊं। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तुम्हारी मर्जी है तो बैलेंस करके कर लो, मर्जी है तो POAC लगा के कर लो। सर पॉलीथीन को हम C2H4 लिख सकते हैं क्या? सर पॉलीथीन को हम C2H4N लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते ना, ऐसा क्या जैसे मैंने ऊपर लिखा है? हाँ सर, हाँ लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Thank you.
0.66 कितना आ रहा है? 0.66 नहीं रॉन्ग है, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो पहले तो मैं लिख देता हूँ ना, फोर है वापस से आंसर आएगा 4 है ना, XeF6 CH2 था होल एंड जो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, टेफ्लॉन बना रहा है और हमको मिल रहा है HF प्लस XeF4। अब देखो सबसे पहले टेफ्लॉन का वेट कितना है, 100 ग्राम, तो इससे मोल्स कितने आएंगे, मोल्स निकालो पहले, 1 मोल, इससे मोल्स आएंगे 1 मोल, ग्राम 1 मोल आएगा। यस सर, इसका ग्राम में वेट 100 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 100N आएगा, बाकी 100 आएगा, तो मोल्स कितने आ गए, 1/N मोल्स, समझ गए? बोलो। अब हमको अब बाकी बचे हुए मोल्स एज्यूम कर लो, मान लो ये ए मोल है, ये बी मोल है, इसके सी मोल है और इसके डी मोल है, और एक्चुअल में हमको मोल्स किसके निकालने हैं, ए वाले मोल्स निकालने हैं XeF6 के, बोलो। अब देखो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी POAC लगाऊंगा, ध्यान से देखना, POAC ऑन जिनॉन लगा रहा हूं सबसे पहले, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 into A इज इक्वल टू 1 into D, मतलब A इज इक्वल टू D, इक्वेशन 1। इतनी बात समझ आती है, देख लो अच्छे से। यस सर। अब लगा रहा हूं POAC ऑन फ्लोरीन, फ्लोरीन पर POAC लगाऊंगा, देखो 6A इज इक्वल टू 4N इंटू 1/N प्लस C प्लस 4D। टेफ्लोन के अंदर टोटल फ्लोरीन के एटम है 4N, एक टेफ्लोन में 4 फ्लोरीन के एटम है, तो N में 4N होंगे और उसके मोल 1/N प्लस C प्लस 4D, समझ आता है इतना? बोलो। तो 4N into 1/N नहीं समझा। अरे टेफ्लॉन का फॉर्मूला ध्यान से देख, उसमें फ्लोरीन के एटम 4N नहीं दिख रहे क्या? यस सर। और उसके मोल्स कितने हैं, 1/N, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोल ही तो कर रहे हैं, समझा सर। प्लस 4 प्लस सी प्लस 4D, ये इक्वेशन 2 है। चलिए अब लगाते हैं POAC ऑन कार्बन एटम, POAC ऑन कार्बन, ध्यान से देखना, कार्बन पर POAC लगाऊंगा, एकदम ध्यान से देखो, कार्बन पर POAC लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 2N into B is equal to 2N into 1/N, ऐसे ही लिखूंगा कार्बन पर POAC लगाऊंगा तो। यस सर। तो यहां से क्या आया, B की वैल्यू आ गई 1/N, इक्वेशन 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट POAC किस पे लगाएं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लास्ट बता, POAC ऑन हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन पर POAC लगा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4NB, 4N into B is equal to what? C. मैं लिखूंगा 4N into B is equal to what? C. Equation 4 हो गया। तो देखो इस वाली equation में एक चीज और मैं लिख सकता हूं क्या? 4N और B की value क्या put कर दूं?
तो C का वैल्यू कितना आ गया 4, इक्वेशन 5 मान लो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इक्वेशन 2 क्या था, 6A इज इक्वल टू 4 प्लस C प्लस 4D, इक्वेशन 2 था, बोलो। यस सर, यस। 6A इज इक्वल टू 4 प्लस C का वैल्यू भी 4 प्लस 4, और देखो A और D इक्वल है बाय इक्वेशन 1, A और D इक्वल है, तो यहाँ D की जगह ये पिट कर दो, तो 2A इज इक्वल टू 8 आया, तो A का वैल्यू कितना आ गया 4, यही हमको निकालना था, तो ये मेरा आंसर हो गया। समझे कैसे करना है क्वेश्चंस को? यस सर, समझे। किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं करने को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 27.6 ग्राम K2CO3 वाज हीटेड बाय अ सीरीज ऑफ, सीरीज का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है ना, बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन, so as to convert all of its carbon into K2ZN3FeCN6 whole twice. Calculate weight of product. ठीक है, और हमको गिवन है, एक चीज और गिवन है, गिवन क्या है, मोलर मास ऑफ दिस, दिस मतलब K2ZN3FeCN6 तो इसका मोलर मास गिवन है 698, ये हमको गिवन है ना, 698 हमको गिवन है, तो वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है, बताओ। तो फॉर्मूला क्या लिखा है आपने, K2ZN3 के बाद क्या बोल रहा है, K2ZN3 देन एक स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें लिखा है FeCN6 और फिर उसका होल ट्वाइस, क्या इक्वेशन कैसे बनेगा? अभी तो सोचना है क्वेश्चन में कि क्या कैसे हम लोग करें।
सर बताओ 11.6 हाँ सही बात है 11.63 आएगा। देखो हो क्या रहा है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन का फंडा तुम्हें समझाता हूँ। इसने बोला है कि हमारे पास K2CO3 था, सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ, मतलब कुछ भी इसके बीच में हुआ, बहुत सारे रिएजेंट हमने डाले एक के बाद सीरीज में रिएक्शन हुआ, अल्टीमेटली हमको मिल गया K2ZN3FeCN6 whole twice। क्या हुआ बीच में हमें कोई मतलब नहीं है, बट क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, मतलब K2CO3 का पूरा कार्बन कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो हमारा कौन कंजर्व है, कार्बन, तो हम पीओएसी लगा सकते हैं किस पर, कार्बन एटम पर, ठीक है, पीओएसी एंड कार्बन एटम लगाओ, कार्बन का एक मोल इंटू कार्बन का एक एटम इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू 12 इंटू मोल्स ऑफ दिस K2ZN3FeCN6 whole twice। 12 एटम थे इसमें कार्बन के दिख रहे, यस सर, इसके मोल कितने होंगे, इसका ग्राम में वेट दे रखा है कितना, इसका ग्राम में वेट दे रखा है कितना 27.6 और इसका वेट होता है 138 इज इक्वल टू 12, इसका ग्राम में वेट मतलब इसका मास हमें कैलकुलेट करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास 698 गिवन था, तो यहां से इसका मास तुम लोग निकाल सकते हो, वो आएगा अप्रोक्स 11.63 ग्राम। समझे फंडा या नहीं समझे, बोलो। समझा सर, ठीक है, तो यही हमारा फंडा होता है क्या, पीओएसी के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, तो पीओएसी हमारा खत्म, पीओएसी में जितना हमने पढ़ना था हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा बात आती है अकॉर्डिंग टू द शीट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि शीट में नेक्स्ट सेक्शन में यही गिवन है ना, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखो एक तो होता है चार्ज, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, क्या 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 ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन, नहीं सर मतलब तो ऑक्सीजन देता होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ये वैलेंसी से रिलेटेड है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो चार्ज के बारे में तो तुम्हें पता है, चार्ज क्या होता है, जैसे देखो मैं पहले लिख देता हूँ ना ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है इट इज एन इमेजिनरी नंबर, इट इज एन इमेजिनरी नंबर यूज टू रिप्रेजेंट अपेरेंट चार्ज ये हिमांग द्विवेदी अपनी क्लास में है क्या, हाँ सर, हाँ सर, अपेरेंट चार्ज ऑन गिवन एटम इन एनी स्टेट, इसका डेफिनेशन होता है। एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं या फिर एक तरह से इमेजिनरी चार्ज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूं यहां पर ऑक्सीजन को 2- में लिखा, मैंने ये लिखा ऑक्सीजन 2-, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज कितना ऑक्सीजन पे, 2 - 2 ही, yes, है ना sir. बट अगर मैं ऐसा लिखूं H2O और मैं बोलू ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, जीरो, नहीं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसी ने तुमसे पूछ लिया, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में तो अभी मैं तुम्हें बात बता दूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज, है ना,
ऑक्सीडेशन नंबर, किसी ने पूछ लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ऑक्सीजन का, तो एक्चुअल में उसको कैलकुलेट करोगे तो वो -2 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर में कभी H2O में से मैंने ऑक्सीजन निकाला, फ्यूचर में कभी ऑक्सीजन में से मैंने H2O निकाला, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? -2 आएगा, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं ना। वो अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं ना। जैसे मान लो मैंने लिखा, चलो इतना ही बहुत है ना, एग्जांपल अभी ज्यादा बताने से ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो एक तरह से इमेजिनरी चार्ज होता है। फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन वाला, सेकंड पॉइंट मैं क्या लिखता हूं, सिंपल एनायन और कैटायन, है ना, सिंपल कैटायन और एनायन कंटेनिंग ओनली वन एटम, कि ऐसा एनायन कैटायन जिसमें एक ही एटम हो, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम एज चार्ज। कि अगर एक ही एटम का कैटायन या एनायन है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा और जो चार्ज होगा वो सेम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई कैटायन एनायन लिया जिसका एक ही एटम है, जैसे मान लो मैंने लिखा Cl-, तो क्या एक ही एटम का कैटायन या फिर एनायन है ये? मतलब एक ही एटम का एनायन है, बोलो बोलो। यस सर। तो इसके ऊपर अगर मैं चार्ज पूछूं तो चार्ज कितना है? -1। और मैं पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना है तो कितना बोलोगे? -1। क्योंकि चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा सिंपल कैटायन एनायन में। जैसे मान लो मैंने लिखा Ca2+, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है? 2+2। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम अगर मैं तुमसे पूछूं तो कितना आएगा? +2+2। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इजी काम है, बहुत मुश्किल नहीं। मतलब जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा इन केस ऑफ सिंपल कैटायन एनायन कंटेनिंग ओनली वन एटम। एक ऐसा कैटायन या एनायन जिसमें एक ही एटम हो, उसके लिए बात करी है मैंने बस। ठीक है, हाँ। बोलो। थर्ड में लिखता हूं फॉर प्योर एलिमेंट और अलॉय और एलोट्रॉप। ये सारे नाम सुने होंगे तुमने, अलॉय, एलोट्रॉप, ये सब। एक बार एलोट्रॉप का मतलब बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। एलोट्रॉप का नाम नहीं सुना कभी भी? सुना है सर, याद नहीं आ रहा। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट। हाँ सर, याद आ। समझ गया। अब प्योर एलिमेंट हो, बिल्कुल एलोट्रोप हो, अलॉय हो, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख देता हूं 2-3, जैसे O2 लिखा, P4 लिखा, S8 लिखा, B12 लिखा, C60 लिखा। इन सभी में अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, इसमें लिखूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, तो सभी में ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होगा? 0। ये 0 क्यों है, इसको एक और तरीके से भी मैं तुम्हें निकालना बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए हमें फोर्थ पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्थ पॉइंट मुझे पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट ही है। फोर्थ पॉइंट सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स मस्ट बी इक्वल टू
ओवरऑल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पीशीज. इसका मतलब समझे क्या, क्या मतलब है इसका बोलो. मतलब कितने जितने भी एटम्स होंगे उन सब के चार्ज का एडिशन, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन ओवरऑल चार्ज के इक्वल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल मान लो मैंने लिया NH3. NH3 के लिए क्या लिखूंगा मैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 × 3 क्यों करा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है इसलिए. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा, 0. क्यों, क्योंकि NH3 पर कोई चार्ज थोड़ी है, NH3 तो चार्ज लेस है. ऊपर देखो ना, NH3 पर 0 चार्ज है. सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम ओवरऑल चार्ज के इक्वल होगा. जैसे मान लो मैंने लिखा CO3 2-, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होगा, -2. जैसे मान लो मैंने लिखा H2SO4, तो क्या लिखेंगे उसको, -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस, प्लस आएगा मल्टीप्लाई नहीं, प्लस क्या लिखूंगा मैं, 4 × ऑक्सीडेशन नंबर, ओवरऑल चार्ज -2 के ऊपर है CO3 के ऊपर, अरे CO3 के ऊपर 2- का चार्ज दिख रहा है, तो ओवरऑल इक्वल टू -2 ही तो आएगा, ओवरऑल चार्ज के इक्वल आता है, मैंने ऐसा लिखवाया. अब देखो H2SO4 के लिए लिखा, क्या लिखा मैंने, 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके इक्वल आएगा, 0. एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मान लो हमको दिया N3-, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना आएगा, -1. जैसे मान लो तुमको ऐसा दिया O2-, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू -2. समझ गए कैसे यूज करना है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ पॉइंट ही है, इसकी हेल्प से हम लोग सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. चलिए अब मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं, उनको याद रखना, उन रूल की हेल्प से हम सारे काम कर पाएंगे. हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा ये रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. और है ना, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा है, प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखूंगा मैं, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले सबसे ज्यादा वाला, फिर उससे कम, ऐसा ना. तो सबसे फर्स्ट नंबर पर पॉइंट है, उसमें क्या है, हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स हमको कहीं दिख जाए, हमको कहीं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिख जाए, हमको कहीं फ्लोरीन दिख जाए, हमको कहीं एल्यूमिनियम या गैलियम दिख जाए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर है. एल्कली मेटल्स के लिए क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, +1. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2.
प्लस टू फ्लोरीन के लिए, माइनस वन एल्यूमिनियम गैलियम के लिए, प्लस थ्री। ये फर्स्ट नंबर पर हमको याद रखना है कि ये प्रायोरिटी में पहले नंबर पर थे। सेकंड नंबर पर कौन था? हाइड्रोजन। थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन। फोर्थ नंबर पर नाइट्रोजन। फिफ्थ नंबर पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और सिक्स नंबर पर सल्फर। ये इसी ऑर्डर में हमको याद रखने हैं और पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा ये, इस ऑर्डर को तो एकदम याद रख ही लेना। अब हाइड्रोजन होगा तो उसको क्या, कौन सा स्टेट देंगे हाइड्रोजन के लिए? प्लस वन। ऑक्सीजन के लिए माइनस टू। नाइट्रोजन के लिए माइनस थ्री। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए माइनस वन। सल्फर के लिए माइनस टू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है हमारा, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। अब देखो इस ऑर्डर का काम क्या है। अगर ये ऑर्डर हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्टली सबका याद रख लेते कि भाई हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, ऑक्सीजन का माइनस टू, नाइट्रोजन का माइनस थ्री, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का माइनस वन, सल्फर का माइनस टू, एल्कलीन अर्थ मेटल्स का प्लस टू, एल्कलाइन मेटल्स एल्कली मेटल्स का प्लस वन, फ्लोरीन का माइनस वन, एल्यूमिनियम गैलियम का प्लस थ्री। अगर मैं ऑर्डर नहीं लिखता, डायरेक्टली ऐसे याद कर लेना तो देखो उसका मतलब है, इस ऑर्डर का एक मतलब है क्या। जैसे मान लो हमको बोल दिया एग्जाम्पल नंबर वन, NaH में बताओ किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना। तो NaH कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? सोडियम और हाइड्रोजन। प्रायोरिटी में सोडियम और हाइड्रोजन, प्रायोरिटी में ऊपर कौन आता है? सोडियम। सोडियम एल्कली मेटल है, प्रायोरिटी में ऊपर वो आता है। तो जो प्रायोरिटी में ऊपर आता है उसका तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो लिख दो। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वन नहीं, प्लस वन। ठीक है, तो सोडियम आ गया प्लस वन। अब जो प्रायोरिटी में नीचे आता है उसका कैलकुलेट करो, उसका कैलकुलेट करो, और जो प्रायोरिटी में ऊपर आता है उसका इस टेबल के अकॉर्डिंग लिख दो जो मैंने लिखवाया है पॉइंट वाइज, और प्रायोरिटी में जो नीचे आता है उसका कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट ऐसे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके इक्वल होगा? जीरो। जीरो जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम कितना आया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस वन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें पता नहीं, इज इक्वल टू जीरो। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? माइनस वन। तो एक आंसर आया माइनस वन, एक आया प्लस वन। तो ऐसे करेंगे, जो प्रायोरिटी में ऊपर आता है उसका तो जो है वो लिख दो, और जो प्रायोरिटी में नीचे आता है उसका कैलकुलेट करो। जैसे ये तो एग्जाम्पल वन था, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल टू का। कोई मुझे बोले प्रायोरिटी ऑर्डर का, मैं ये सब करके मैं प्रायोरिटी ऑर्डर का एक इंपॉर्टेंस तुम्हें बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर का। जैसे H2O है, अब H2O में दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का कितना आएगा? प्लस वन। हाइड्रोजन का प्लस वन है तो प्लस वन ही रहेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का टू। अरे भाई जो ये लिखवाए हैं वही है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक का प्लस वन है, दो हाइड्रोजन है, तो दोनों का सम नहीं करेंगे, एक एटम का ही निकालेंगे। ठीक है, ओके सर। तो कैसे लिखेंगे? टू इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके इक्वल आएगा? जीरो। जीरो के इक्वल। तो टू इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमने निकालना है, वो जीरो के इक्वल है। तो यहां से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? माइनस टू। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखता हूं। एग्जांपल थ्री, क्या ओ एफ टू में हायर प्रायोरिटी में कौन है? F का कितना होगा? माइनस वन। अब ऑक्सीजन का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस
2 into oxidation state of fluorine, that is minus 1, is equal to 0. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? माइनस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू समझे सर? एक बार वो सीरीज दिखाना, देख ले सीरीज, हमको याद होनी चाहिए टिप्स पे एकदम। सर, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन, हाँ बोलो सर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो चाहे ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो, ठीक है? ओके सर। तुम्हें दो कुछ करने को? यस सर। चलो यहाँ पर है ना, मैं तीन कॉलम बना रहा हूँ, कॉलम वाइज दे देता हूँ ताकि तुम्हें दिखते रहे। एग्जाम्पल तीन करवाएं, तीन और दे देता हूँ। एग्जाम्पल तीन तो मैंने करवा दिए, तीन और दे देता हूँ। एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फाइव, एग्जाम्पल सिक्स, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जैसे एक मैंने दे दिया K2O3, एक मैंने दे दिया N2O, और क्या दूं, एक मैंने दे दिया C2O4 2-। करो हो गया क्या? यस सर। हाँ सर बताओ, एग्जांपल फोर में बताओ पोटेशियम और ऑक्सीजन में। प्लस वन। और N2O में बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस वन, और ऑक्सीजन का
माइनस टू ठीक है, और सी टू ओ फोर टू माइनस में बोलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस थ्री और ऑक्सीजन का माइनस टू ठीक है, मतलब एग्जाम्पल नंबर फोर में देखो, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, उतना डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर हम लोग देखें प्रायोरिटी में ऊपर पोटेशियम आता है तो पोटेशियम प्लस वन में होगा ठीक है। अब ऑक्सीजन का मुझे निकालना है, मान लो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है ना, तो हम क्या लिखेंगे टू इंटू प्लस वन प्लस थ्री इंटू इसका एक्स माना था, ओवरऑल जीरो के इक्वल आया, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स का वैल्यू कितना आया माइनस टू बाई थ्री, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया माइनस टू बाई थ्री, समझ गए बोलो। हाँ सर। अब N2O में ऊपर कौन आता है, N2O में ऊपर आता है ऑक्सीजन प्रायोरिटी में, तो ये माइनस टू हो गया। नाइट्रोजन का x मान लिया तो क्या आएगा टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, दैट इज जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू प्लस टू, तो x का वैल्यू कितना आ गया प्लस वन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया है प्लस वन। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नो सर। ठीक है, ऑक्सलेट में बात करें तो कार्बन तो हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में है ही नहीं, मतलब ऑब्वियसली नीचे ही आ रहा होगा, नहीं है मतलब वो नीचे है, ऑक्सीजन का है तो मतलब माइनस टू ऑक्सीजन के लिए, कार्बन को मान लिया एक्स, तो कितना आएगा टू एक्स प्लस फोर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, मतलब टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू, तो टू एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स, तो एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आ गया प्लस थ्री, लिख सकता हूं ऐसा? यस सर। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं है या है? नहीं है सर। नहीं है, चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। होमवर्क क्या है हमारा, होमवर्क मैं लिख देता हूं, होमवर्क देखो, होमवर्क है हमारा एक्सरसाइज वन बोथ पार्ट सेक्शंस ई, एक्सरसाइज टू पार्ट वन क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है? यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, है ना? ओके सर, थैंक यू।